आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए हुए, चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी, और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो, तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? तो मेरे पर कोई आरोप नहीं है तो फिर डर क्यों रहे? दिन में काली कमाई किए हैं जनता का, तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी। लोग आए थे आपके विभाग के, बहुत सारे NH जो कि नहीं बन पाए हैं उसको लेकर के कई तरह की बातें की गई। कौन कौन NH नया बनना है, जमीन अधिग्रहण कब तक होगा? हाँ देखिए, कल NHI की टीम आई थी, NHI के चेयरपर्सन खुद आई थी, और बहुत ही मुझे बताते हुए आप लोग को हर्ष हो रहा है कि पिछले 8-9 महीनों में हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में काफ़ी अच्छा काम जो किया उसको उन लोगों ने भी अप्रिसिएट किया है। और लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन दोनों में हम लोगों ने जो पिछली समस्याएं थी उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले जब हम लोग की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 9 योजनाएं जिसके करीब 12,000 करोड़ की लागत से होनी है, उन योजनाओं को यथाशीघ्र निविदा करने के लिए हम लोगों ने कहा था, जिसमें से 3 से 4 योजना की उन्होंने निविदा कर दी है। शेष 5 को भी हम लोगों ने कहा है कि जल्द करने के लिए, जैसे कि राम जानकी पथ का निविदा हो गया है, किशनगंज बहादुरगंज का निविदा हो गया है, साथ ही साथ कई और स्कीम जो बचे हुए हैं जिसमें कि शेरपुर दिगवाला गंगा पर बहुत बड़ा जो ब्रिज है 5,000 करोड़ का, उसके बाद आरा सासाराम, इन सभी योजनाओं को हम लोगों ने यथाशीघ्र निविदा की आग्रह किया है। और चेयरपर्सन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर वो सारी योजनाओं की निविदा होगी। और हम लोगों ने जो अपना डाटा बेस और कमांड एंड कंट्रोल रूम जो बनाया है उसको भी हम लोगों ने उनको दिखाने का काम किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि NHI की टीम आश्वस्त होकर गई है, और कई नई योजनाएं जैसे भारतमाला के दृष्टि से बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको भी उन्होंने अलाइनमेंट को देखा, और रक्सौल हल्दिया जो पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे बनेगा उसको भी उन्होंने देखने का काम किया है, और उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हम लोग इन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारी भी सरकार इसी तरह का होगा? देखिए, आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए हुए, चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी, और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके अभी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल कर रहे हैं, ये जनता के मेहनत का पैसा है, जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सजा मिलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है, या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो? और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है, और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में, इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा, और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि वो परेशान किया जा रहा है, जितने कागज हैं CBI खंगाल रही है, तो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि भाई मेरे पर कोई आरोप नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे हैं? CBI के कोर्ट में आपने अगर मामला दिया, आपके वकील ने रखा होगा विषय, तो वकील अगर साक्ष्य सही ढंग से नहीं रख पाए तब ना इस पर प्रक्रिया में आगे बढ़े बात। अब देखिए, CBI का डर तो उनको रहता ही है, जब आप दिन में काली कमाई किए हैं जनता का, तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी, और निश्चित रूप से नींद तो उड़ना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जमीन प्रशासन से हमने बात किया है, साथ ही साथ उनको कैंसर की बीमारी है तो उसके दृष्टि से भी उनको जो राहत दी जा सकती है मुख्यमंत्री राहत कोष से, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया है, और बाकी चीज़ें उनको बताई। बेसिकली देखिए, ये सहयोग कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी है, और बिहार भर के लोग इस अपेक्षा से आते हैं कि बिहार में अगर हम लोग की सरकार है तो जहाँ जहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है उस निदान समस्या को लेकर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री और हम लोग के साथ साथ बाद में
जदयू ने भी इस परंपरा की शुरुआत की जो भाजपा ने शुरुआत की थी, अब जदयू ने कार्यालय में भी लोग बैठे हैं। तो बिहार में जो सरकार है वो जनता के प्रति दायित्व उत्तरदायी रहे, इस नाते ये सहयोग कार्यक्रम चलाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।